दोस्तों हॉलीवुड मूवी एवेंजर्स के फैन तो हम सभी हैं, लेकिन हाल ही में आई एंड गेम के बाद हम इनमें से ज्यादातर सुपर हीरोज को कभी देख नहीं पाएंगे। मूवी देखते वक्त आप खुद भी ये सोचते होंगे कि हमें भी ऐसी ही सुपर पावर्स मिल जाएं तो हम क्या कर दें, लेकिन अगले ही पल हम ये महसूस करते हैं कि ये सब तो सिर्फ एक कल्पना है जिसे CGI और एनिमेशन की मदद से स्क्रीन पर दिखाया जाता है। लेकिन आज की ये वीडियो इसलिए बेहद खास है क्योंकि आज हम आपको दिखाएंगे दुनिया के 5 ऐसे सुपर हीरो गैजेट्स और मशीन्स जो आपको एक सुपर हीरो में बदल सकती हैं। और आगे भी ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। तो बिना देर करे शुरू करते हैं और चलते हैं पहले सुपर हीरो गैजेट की तरफ। आयरन मैन सूट। दोस्तों एवेंजर्स की टीम में सबके फेवरेट हीरोज अलग अलग होते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों का फेवरेट आयरन मैन था क्योंकि टोनी स्टार्क ने अपने समय से काफी आगे की टेक्नोलॉजी की मदद से एक सुपर हीरो सूट तैयार किया था। लेकिन आज के टाइम में ये आयरन मैन सूट सिर्फ एक कल्पना ही नहीं बल्कि ये सूट रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है। इसे बनाया है द टॉयज एशिया नाम की एक कंपनी ने। इस सूट में हर एक बारीकी का ध्यान रखा गया है। इसके हर एक पार्ट्स ठीक वैसे ही खुलते हैं और बंद होते हैं जैसा कि हमने मूवी में देख रखा है। इसमें चेस्ट पर एक आर्क रिएक्टर मौजूद होता है, साथ ही हथेली की जगह पर ब्लास्टर्स भी मौजूद होते हैं जो कि ठीक वैसी ही आवाज़ निकालते हैं जैसा तब आती थी जब आयरन मैन हाथों से शूट करता। ये सूट लगभग पूरा का पूरा ही ओपन हो सकता है। इसके लुक्स और कलर्स की बात करें तो ये कहीं से भी मूवी में दिखाए गए सूट से अलग नहीं लगता। तो इस कमाल के सूट को देखने के बाद आगे बढ़ते हैं अगली मशीन की तरफ। फ्लाइबोर्ड एयर। दोस्तों आपने स्पाइडरमैन मूवी में विलेन ग्रीन गॉब्लिन को अपने होवरबोर्ड पर उड़ते हुए तो देखा ही होगा। उस वक्त ऐसा होवरबोर्ड बनाना लगभग नामुमकिन था, पर आज ये हकीकत में बदल चुका है। आप इसे गैजेट या मशीन जो चाहे कह सकते हैं। ये बेसिकली आपको उड़ने की सुपर पावर दे देता है। इसका शेप और साइज काफी कॉम्पैक्ट होता है जिसमें एवरेज साइज का कोई भी आदमी खड़ा होकर इसे आराम से उड़ा सकता है, लेकिन इसे बैलेंस करके उड़ा पाना भी एक मुश्किल काम होता है और इसे सीखने के लिए काफी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। इसे कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि हवा में उड़ते समय ये काफी स्टेबल होता है। ये फ्लाईबोर्ड हवा में अलग अलग डायरेक्शंस में उड़ने के साथ साथ एक जगह पर कॉन्स्टेंटली रुक भी सकता है। तो इस फ्लाईबोर्ड के बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला गैजेट। नंबर 3 पर है लेविटेटिंग आयरन मैन। दोस्तों ये छोटा सा गैजेट पर्सनली मेरा तो फेवरेट है। इस आयरन मैन फिगर को इस सर्कुलर पैनल के ऊपर रखना होता है और ये फिगर उसके ऊपर कुछ इस तरह से फ्लोट करने लगता है जिसे देखने से लगता है कि ये कोई उड़ता हुआ छोटा सा आयरन मैन है। ये गैजेट दिखने में काफी क्यूट भी होता है, लेकिन आप यहां पर सोच रहे होंगे कि बिना किसी ऑब्जेक्ट की मदद के ये फिगर एक ही जगह पर हवा में कैसे फ्लोट कर रहा है। इसका आंसर है इस गैजेट में इस्तेमाल की गई मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी में ऑब्जेक्ट को मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से हवा में फ्लोट कराया जा सकता है। इस आयरन मैन फिगर में एक असली आयरन मैन की ही तरह आर्क और हाथों और पैरों में ब्लास्टर्स दिए गए हैं। ये छोटी छोटी डिटेल्स इसे बिल्कुल परफेक्ट बना देती हैं। आयरन मैन फैंस के लिए ये एक परफेक्ट गिफ्ट हो सकता है। नंबर 4 पर है फ्लाइंग सूट। फ्लाईबोर्ड देखने के बाद अब हम देखेंगे एक ऐसा सूट जिसे पहनकर आप हवा में बिल्कुल आयरन मैन या सुपरमैन की तरह उड़ सकते हैं। ये सूट डिजाइन किया है ब्रिटिश इन्वेंटर रिचर्ड ब्राउनिंग ने। रिचर्ड खुद भी ग्रेविटी इंडस्ट्रीज के फाउंडर है। उन्होंने उड़ने वाले सूट की कल्पना को सच करने की ठानी और काफी मेहनत और रिसर्च के बाद आखिरकार उन्होंने ये सूट बना ही लिया। इस सूट की सबसे खास बात यह है कि इसे पहनकर आपको वर्टिकल डायरेक्शन में यानी हवा में लेटकर उड़ने की जरूरत नहीं होती बल्कि आप सीधे खड़े होकर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी उड़ सकते हैं।
तो चलते हैं आज के आखिरी गैजेट की तरफ। नंबर 5 पर है आयरन मैन ग्लव। ये आयरन मैन ग्लव पहनकर आप खुद को टोनी स्टार्क से कम नहीं समझेंगे। इस ग्लव से सिर्फ शो के लिए नहीं बल्कि असली लेजर बीम्स निकलती हैं। ये लेजर बीम्स छोटे मोटे लेवल पर चीजों को डैमेज भी कर सकती हैं। हालांकि ये डैमेज उतना नहीं है जितना आपने मूवी में देखा है, लेकिन फिर भी ये डैमेज तो करती ही हैं। ये ग्लव्स आपको काफी रोमांचक एक्सपीरियंस देते हैं। इसे निकलने वाली लेजर बीम्स साधारण लेजर पॉइंटर से लगभग 3000 गुना ज्यादा पावरफुल होती हैं। ये ग्लव्स किसी भी साइज के हाथ में बहुत ही आसानी से फिट हो जाते हैं और साथ ही ये काफी लाइट वेट भी होते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ कमाल के सुपर हीरो गैजेट्स जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे भी ऐसे ही अमेजिंग इन्वेंशंस और गैजेट्स को देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ।